एवरीबॉडी कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी हां, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अप्लाई करने वाले हैं 41 FAD। जी हां, 41 FAD में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, 41 फील्ड एमिनेशन डिपोर्ट। जी हां, गोला बारूद कारखाना में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है इंडियन आर्मी के अंतर्गत। यदि आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है तो आप लोग जानकारी लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है इसकी रिक्रूटमेंट वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। A to Z जानकारी आप लोग की निकल जाएगी कि 41 FAD में आप लोग की कितनी वैकेंसी है। 400 प्लस वैकेंसी निकली हुई, काफी अच्छी वैकेंसी है। कई ट्रेडों के लिए यहाँ पे वैकेंसियां निकली हुई, जैसे आप लोग के फायरमैन की होगी, ट्रेड्समैन मेट की होगी, इसके अलावा कई वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है। ठीक है, आप लोग A to Z जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म का लिंक, मेडिकल सर्टिफिकेट का लिंक, इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी आप लोग को बना दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और यदि नहीं है, आपको नहीं पता, तो जानकारी लेने के बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन आप लोग के अप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है। जी हाँ, फॉर्म के साथ आप लोग को जो है सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भेजनी है। ठीक है, फोटोकॉपी के साथ साथ आप लोग का एक डॉक्यूमेंट और भेजना है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग को लगाना है। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सर ये मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या जरूरी है लगाना, क्या पुराना लगा सकते हैं। मीन्स कई तरीके के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं और सभी के क्वेश्चंस के आंसर देना जो है पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँ। इस वीडियो में आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड A to Z जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, आप लोग का लिंक दिया हुआ डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, जरूरी है नहीं है। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, कोई आप लोग को प्रॉब्लम इस रहने वाली नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरियां। क्या मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है? तो देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आप लोग मेरे से पूछेंगे तो देखिए, मेरे कहने से अभी कोई फर्क आप लोग को पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, मेरे कहे अनुसार इंडियन आर्मी नहीं चलेगी। इंडियन आर्मी चलेगी जो उसके रूल्स हैं। रूल्स का मींस उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट, जी हाँ, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप लोग को लगानी है। इसके अलावा आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना है, बिल्कुल क्लियर उन्होंने बोला है। तो यदि इंडियन आर्मी में आर्मी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है तो आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे आप लोग का बिना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए भी एडमिट कार्ड आ जाए, वो आप लोग की किस्मत है, लेकिन जब उन्होंने बोला है आप लोगों से, तो आप लोगों को लगाना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जी हाँ, आप लोग को अस्पताल जाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा, मस्ट है, जरूरी है, उन्होंने ऐसा लिखा है। लेकिन यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी आपकी किस्मत है, एडमिट कार्ड आता है नहीं आता है, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं, फ्री फॉर्म है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग ट्राई जरूर कीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि जरूरी है, इंडियन आर्मी ने बोला है। इसके अलावा कई क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि सर क्या पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस में भी कई एग्जाम दिए हुए हैं, जैसे कि इससे पहले आप लोग का OTA गया का एक वैकेंसी निकली थी, उसमें भी आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया था। मैंने आप लोग को A to Z जानकारी मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर दिया था, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है नहीं लगाना है, जिन्होंने लगाया था उनके एडमिट कार्ड भी आए थे। ठीक है, तो उनका पुराना पड़ा हुआ है, तो सर क्या हम वो लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इससे पहले आप लोगों ने कोई फॉर्म भरा हुआ है पुराना है तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन कितना पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपके पास पड़ा हुआ है आप लगा सकते हैं?
तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक साल से ज्यादा पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग के पास नहीं होना चाहिए। एक साल के अंदर अंदर आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है, किसी रिक्रूटमेंट फॉर्म में आप लोगों ने अप्लाई किया था तो आप लोग उसे लगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट का लिंक आप लोग को दिया है, परफॉर्मा का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि एक साल तक जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड है। आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जो है आप लोग मेडिकल बनवा सकते हैं, मीन्स मोहर वगैरह लगवा सकते हैं। तो एक साल तक वैलिड है, यदि कोई पुराना आप लोग का पड़ा है 2-4 महीने का तो आप लोग लगा दीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि अभी फोटोकॉपी लगानी है। अब पारी आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सर मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कहां से बनवाएं मेडिकल सर्टिफिकेट? जी हां, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं? हम तो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, सर आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, आप ही बताइए, आप ही बनवाइए। भैया देखो, मैं सबके मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं सकता हूँ, एक एक के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जा नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग कैसे बनाएंगे। जी हाँ, तो देखिए, आप लोग कहीं भी रहते हैं, गांव में, कस्बे में, शहर में, कहीं पे भी आप लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सभी आजकल गांव-गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप लोगों के हैं। जी हाँ, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जाइए, वहां से जाने के बाद आप लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन किस तरीके से, परफॉर्मा मैंने दिया है, आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिए, एक पेज का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है वो, ठीक है, परफॉर्मा है। आप लोग को अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है नज़दीकी, वहां पे जाने के बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी कि उस पर मोहर वगैरह लगवानी है, और जो भी डाटा वगैरह वो देते हैं, जो भी डिटेल वगैरह वो उस पर दे सकते हैं। तो कैसे, मतलब किसी भी डॉक्टर से? जी आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, बड़ा हॉस्पिटल, आप लोग दिक्कत हो रही है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग 1 या 2 रुपए की पर्ची कटवाइए। जी हाँ, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, 1 या 2 रुपए की आप लोग की पर्ची कटती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप लोग उसे कटवाइए। उसके बाद जो भी डॉक्टर आप लोग के बैठते हैं, चाहे वो आईज सर्जन हो, आईज के हो, या फिर किसी भी मतलब जनरल फिजिशियन वगैरह हो, ठीक है, आप लोग किसी के पास भी जाइए। जाने से पहले मैं आप लोग से कहूंगा, सबसे इजीली उनके बाहर कुछ जो मीन्स जो कुछ बंदे होते हैं, ठीक है, जो कि गेट पे रहते हैं, जो कि मीन्स डॉक्टर की हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है ना, पर्चियां वगैरह लगाते हैं या लाइन वगैरह लगवाते हैं, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं कि भैया मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, डॉक्टर साहब से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दो। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, इस चीज़ का मैं आप लोग को पहले बता दूँ, सर्टिफिकेट आप लोग को सिर्फ फॉर्म भरने के लिए सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग की ज्वाइनिंग हो गई है और ज्वाइनिंग के बाद आप लोग मेडिकल करवा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस अलग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग फॉर्म भरने के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि मैं फिट हूँ, चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है, आप लोग फिट हैं, तो सिर्फ आप लोग को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, आप लोग बोलना फॉर्म भर रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, तो वो आप लोग का काम करवा देगा। हो सकता है फ्री में भी करवा दे, 100 रुपये ले ले, 50 रुपये ले ले, तो आप लोग दे करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और यदि आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, तो आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर से मिलिए, आप लोग को 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से एक बार आप लोग मिलिए, बोलिए सर मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, मेडिकल फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोग आप इसमें थोड़ा सा जो है अपनी मोहर वगैरह लगाइए और जो भी सिग्नेचर वगैरह, जो भी डाटा वगैरह दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो बंदा आप लोगों से यदि कहता है कि आपको चेकअप कराने पड़ेंगे, ठीक है, ये चेकअप, वो चेकअप, अगर वो चेकअप करने को बोल रहा है तो आप लोग चेकअप भी करवा लीजिए, क्या दिक्कत है, फ्री में आप लोग के चेकअप भी हो जाएंगे, चाहे वो आप लोग का आईज की चेकअप हो या फिर आप लोग के ब्लड की चेकअप हो, एक्सरे हो, कुछ भी हो, आप लोग चेकअप करा लीजिए, अगले दिन आप लोग की रिपोर्ट आ जाएगी, अगले दिन मेडिकल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी आप लोग का बन रहा है आप लोग बनवा लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये, सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। और यदि आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, यदि कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो मैं आप लोग को बताऊं, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जी हां, प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी क्लिनिक वगैरह है जहां पे आप अपने इलाज के लिए जाते हैं, दवाइयां वगैरह लेते हैं, ठीक है, और यदि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये ध्यान रखिए, डॉक्टर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आप उसका जो है एक रजिस्टर नंबर होना चाहिए, तभी जो है वो वैलिड होगा। कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं होना चाहिए। झोला छाप का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि किसी डॉक्टर के अंडर में बैठ करके 4 दवाइयां सीख के अपनी दुकान खोल ली, बस उसी में जो है प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वो झोला छाप नहीं होने चाहिए। डॉक्टर होने चाहिए, MBBS डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप लोग उनसे बनवा सकते हैं। यदि आपके आसपास है कोई क्लिनिक है, क्लिनिक नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप लोग कहीं से भी आप लोग कैसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है, 150 रुपये आपके खर्च होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े पैसे आप लोग के लग सकते हैं बस, बट बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए, बहुत ज़्यादा लगते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आप लोग का रजिस्टर होना चाहिए, उसका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, जो मोहर उसमें लगेगी उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, और MBBS डॉक्टर होना चाहिए आप लोग का, ये ध्यान रखिएगा।
बस इसके अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट से बनवाइए, प्राइवेट से बनाइए, किसी क्लिनिक से बनाइए, डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी मोहर होनी चाहिए, उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, और यदि वो कोई डिटेल देना चाहता है वो डिटेल आप लोग की दे देगा, क्योंकि वो फिटनेस सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल बना रहे हैं, ठीक है। वो फिटनेस के लिए आप लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, एवरीथिंग, यानी कि आप फिट हैं आप, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घर से बाहर तो निकलिए, सब कुछ बन जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ, पूछिए, आप लोग पूछते रहिए, यदि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोग के लिए वीडियो भी बना दूंगा। इसके अलावा आप लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, बहुत से स्टूडेंट ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना लिया है, जी हाँ, मैंने जो लिंक दिया है उसी परफॉर्मा को ले जा करके उन्होंने मोहर वगैरह सिग्नेचर वगैरह लगा ली है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी। तो बहुत से बच्चे आप पूछ रहे हैं कि सर क्या हम ओरिजिनल लगा दें, तो देखिए ऐसी गलती मत कीजिए, आप लोग ओरिजिनल नहीं लगाएंगे, आप लोग उसकी फोटो कॉपी लगाएंगे, क्योंकि अभी जब आप लोग को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो रिटर्न एग्जाम के समय आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल, जी हाँ, ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों लेके जानी पड़ेगी, तो उस समय आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो ओरिजिनल आप लोग के पास रहना चाहिए, आपको सिर्फ फोटो कॉपी सेंड करनी है, और जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे उस समय आप लोग को सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं, क्योंकि वहां पर आप लोग का फिजिकल रिटर्न सब कुछ होने वाला है, 2 से 3 दिन आप लोग के लग सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ओरिजिनल आप लोग रिटर्न एग्जाम के समय लेके जाएंगे, अभी आप लोग जो है फोटो स्टेट उसकी लगाएंगे। इसके अलावा कौन सा परफॉर्मा है मैं आप लोग को दिखा देता हूं, उसमें आप लोग को क्या क्या भरना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के आप लोग उस तरीके से भर के डॉक्टर के पास जाइए, करवाइए, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस, जी हाँ, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, फॉर्म को भरने के बाद आप लोग डॉक्टर से जो है सील मोहर वगैरह इसमें लगवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप लोग के पास कोई और परफॉर्मा पड़ा हुआ है तो आप लोग उसे भी लेके जा सकते हैं, बुक स्टॉल पे भी आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस का जो है परफॉर्मा मिल जाता है। इसके अलावा डॉक्टर के पास भी जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा होता है, तो आप लोग किसी पे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से आप लोग को दे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसे आप लोग भरेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो भी है श्री कुमारी श्रीमती, ठीक है, उस पर टिक करते हुए आप लोग अपना नाम लिखेंगे, डॉक्टर सन डॉक्टर जो भी है, ठीक है, आप लोग जिनके भी उनका नेम लिखेंगे। इसके अलावा एज आप लोग की क्या है, विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, पिन कोड वगैरह आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद बारी आती है सर्टिफिकेट इज गिवन टू सम पर्पज ऑफ, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे गवर्नमेंट जॉब फॉर्म अप्लाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे और उनका नाम होगा डॉक्टर का, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर होने वाला है और उनकी एक मोहर होगी, ठीक है, मोहर सील यहाँ पे लगेगी, उस पर उनकी जो डिटेल वगैरह दी होगी, तो जो भी एड्रेस वगैरह, ठीक है, उनकी अपनी सील होगी। इसके अलावा डेट लिखे जाएंगे और इसके अलावा आप लोग नीचे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि गारंटेड क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डर टू होल्ड MBBS डिग्री एंड रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होने चाहिए MBBS डॉक्टर, ठीक है, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका 1 ईयर तक वैलिड रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। डॉक्टर यदि इसके अलावा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूँगा यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहो। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू।